कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि खान पान भी सही तरीके का हो। और तस्वीरों में जो चीज़ें आपने देखी वो कुछ अलग हैं। अलग ये है कि आपने अब तक जो चावल शायद खाए हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे कि चावल यानी कि धान जो है वो काला भी हो सकता है। फायदे क्या हैं ये जानेंगे इसके। इसी से ये धान से बना हुआ चावल है, उससे बना हुआ ये पोहा जिसको बिहार में या फिर जो पूर्वांचल का इलाका है वहाँ पर चूड़ा कहते हैं, और ये काले गेहूँ से बना हुआ आटा है जो कि थोड़ा सा मतलब आप इसको कहें कि थोड़ा जो आम आटा होता है उससे थोड़ा अलग रंग का है। इसके रंगों को आप देखे समझ पाए होंगे कि ये बिल्कुल अलग है। अगर शायद मैं इसमें से कुछ दाने आपको ऊपर से दिखाऊं तो अमूमन जो चावल हमारे पास जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का। और ये कुछ ऐसा चावल हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं ये, और ये काला है यानी कि ब्लैक राइस है, और उसी धान से बना हुआ ये ब्लैक पोहा है। अमूमन पोहा थोड़ा क्रीमिश रंग का होता है जो चूड़ा के बारे में जानते हैं, पोहा के बारे में जानते हैं, और ये काले गेहूं से बना हुआ आटा है। अब इसके फायदे क्या कुछ हैं और ये बिहार में क्यों क्या कर रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश मंगलम जी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और बिहार में इसकी अब खेती हो रही है। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि मुझे जितना पता है कि आपने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके आप किसानी की तरफ आए हैं और इसको अब लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और फिर कैसे खेती होती है, इसकी क्या प्रोसेस है पूरा? एक्चुअली हम लोग का ई कॉमर्स कंपनी है नोएडा में, वेजिटो कार्ट प्राइवेट लिमिटेड करके, और अचानक से जब वहाँ पे हमारे कस्टमर का डिमांड काला चावल और काले गेहूँ का आटा का आने लगा तो हम लोगों ने इस पे रिसर्च किया और मणिपुर गया जिसको GI टैग मिला है ब्लैक राइस के लिए, तो वहाँ से बीज ला के पहली बार बिहार में खुद के खेत में लगा के इसको टेस्ट किया कि यहाँ के इन्वायरमेंट में सक्सेसफुल है या नहीं, तो बढ़िया इसका फसल हुआ और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा था। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ किसानों से लगवाना शुरू किया और मोर देन 400 एकड़ में हम लोगों ने काला चावल लगवाया था, इस पर मोर देन 1000 एकड़ में हम लोगों ने काला गेहूँ लगवाया है, और किसानों से वापस हम लोग बाईबैक भी हम ही कर लेते हैं, मतलब बीज से लेकर बाज़ार तक किसानों को इंटायर टू इंटायर सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, और एक अच्छे कीमत देकर हम लोग किसानों से वापस इसको बाईबैक करते हैं, फिर इसको हम लोग प्रोसेस्ड करते हैं और प्रोसेस्ड करके वेजिटो ब्रांड से अपने मार्केटिंग करके अपने वेबसाइट से ऐप से जितने भी भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे इसका डिमांड अच्छा है। डिमांड इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। हेल्थ बेनिफिट में जैसे अगर आप डायबिटिक पेशेंट हों, इसमें एंथोसाइनिन ज़्यादा है इसलिए कैंसर से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल से हम लोग को बचाता है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपका एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसमें जो चेहरा पर झुर्री वगैरह आता है उसको कम करता है, ऐसे करके मोर देन 11 डिजीज से हम लोग को सेव करता है। तो अमूमन जो इसकी खेती होती है मतलब जो आम धान है उसी तरीके की खेती है या कुछ अलग है इसमें? नहीं, आम धान से खेती इसकी सस्ती है क्योंकि उसके पूरे फसल में खाद नहीं पड़ता है, जो हम लोग आजकल केमिकल DAP यूरिया वगैरह खाद यूज करते हैं तो कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, और बहुत कम दिन में तैयार भी हो जाता है, और इसका जो यील्ड है यील्ड भी बहुत बढ़िया है। तो किसान आज 18,000-17,000 रुपये एक बीघे का धान बेच के कमा रहे हैं, उनको हम लोगों ने वापस खरीदने में 45,000-45,000 रुपये पेमेंट किया है, तो किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। यहाँ पे जब हम इसको प्रोसेस्ड करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं तो उसमें अच्छे खासे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, और जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक अच्छा प्रोडक्ट जो जिसके हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा हैं जब लोगों के पास पहुँचेगा तो उनको दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चावल से ही उनको अच्छा खासा। डिमांड कितनी हो रही है क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ है जो मतलब खासकर के जो मैदानी इलाकों में नई चीज़ है, तो डिमांड किस तरीके की है और कितना आप लोग मतलब इसका उत्पादन करा पाते हैं कि जितना डिमांड है उतना हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। डिमांड इसका मैं एक्चुअली अभी छोटे शहरों में नहीं है क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है तो सब लोग का पैकेट अलाउ नहीं करता उतने कॉस्टली खाने का। प्राइस रेंज है जो चावल है इसका कम से कम 250 रुपये पर केजी है, आटा का कोई भी कंपनियां अभी 370 रुपये पर केजी से कम बेच नहीं रही है, लेकिन हम लोग उसको अप्रॉक्स 200 पर केजी लाने जा रहे हैं, और जो पोहा है इसका मुंबई में बहुत डिमांड है, मुंबई और MP और गुजरात वहाँ पर सुबह का नाश्ता पोहा होता है, और जब पोहा का इतना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है तो वहाँ पर डिमांड अच्छा खासा है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में डिमांड बढ़िया है, और अभी हम लोग पिछला बार 500 एकड़ में लगाए थे, इस बार मोर देन 2000 एकड़ में हम लोग ब्लैक राइस की खेती कराएंगे, और हर ज़िले में हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के पीछे कारण क्या है कि वहाँ के किसानों को उसी से फ़ायदा मिले, ज़िला में ही उनको सारा कुछ बीज से लेकर बाज़ार तक मिल पाए और वहाँ के किसान की भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, और यहाँ से हम किसानों से इसका खेती कराएंगे और उसको खरीद के बिहार में ही जहानाबाद में प्रोसेसिंग यूनिट लगा के इसको प्रोसेस्ड करेंगे, और जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं और बाहर से भी नेपाल वगैरह से भी ऑर्डर आया है हम लोग के पास।
तो ये मतलब ये जो प्रोसेसिंग है कुछ अलग है इसका, मतलब कुछ अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं इसको? थोड़ा सा इसका चावल जो है बड़ा नाजुक होता है, तो इसको प्रोसेसिंग यूनिट जो है सिर्फ हस्कर करना है, पॉलिशर होता नहीं है इसमें। अच्छा। तो सिर्फ हस करके इसको पैकेजिंग करते हैं, और पैकेजिंग करके लगभग मोर देन 9 मंथ्स तक सेल्फ लाइफ होता है इसका। और जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, खासकर मुंबई से और दिल्ली से, दिल्ली NCR से बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका। तो चलिए, ये 3 चीज़ें हैं जो कि बिहार में अब इसे खेती हो रही है, और इसको आप जो है ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन इसको आप खरीद सकते हैं। चीज़ें क्या हैं कि ब्लैक राइस है, ब्लैक पोहा है, और ये काले गेहूँ से बना हुआ आटा है। हेल्थ बेनिफिट जैसा कि बता रहे थे नीतीश मंगलम जी, बहुत सारे हैं, 11 तरह के फ़ायदे हैं इसको खाने से, ज़्यादातर की बीमारियों में, और सबसे खास बात है कि कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। बिहार में अब इसको लेकर के जो है अब किसानों को जोड़ रहे हैं, उन किसानों से इसकी खेती करवा रहे हैं जिनका मुनाफा लगभग 2 गुना हो चुका है इस खेती के बाद। आसान तरीका है इसको उगाने का, उपजाने का, उसके बाद ये खुद ही खरीदते हैं, और इसके बाद अपने अपनी कंपनी के ब्रांड के नाम से इसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बेचते हैं। 200 से 250 के आसपास में इसका प्राइस रेंज है, लेकिन सेहत के हिसाब से शानदार है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।